हमारे बच्चे और हमारे पास मंच दिया है सांपा के बच्चों को कौन हाथ बजे हैं टलंगट बजे हैं गाने वाले तेरा पवन सजाया ओ कितना सोना तेरा पवन सजाया दिल कर फिर इसलिए तीन कैटेगरी प्रोफेशनल कैटेगरी बताया आपको पार्टी मांगनी है हमसे जिन्होंने जस्ट दो मिनट लूंगी आपके मुझे आज यहाँ आके बहुत खुशी हुई मुझे ध्यान आ रहा है कि पहला नवरात्रा था जब मैं यहाँ आई पूजा में बैठने के लिए तो अचानक मेरे मन में ये ध्यान आया कि जैसे कटरा में डिवोशनल सॉन्ग कंपटीशन होता है और इनफैक्ट देश भर से लोग वहाँ आते हैं और अपना हुनर वहाँ दिखाते हैं तो क्यों ना हम भी यहाँ से एक छोटी सी शुरुआत करें तो मैंने चिची माता ट्रस्ट इनको रिक्वेस्ट की कि आप इसको स्पॉन्सर करें और इसको ऑर्गेनाइज करें तो आज थोड़े ही दिन आज छठा नवरात्रा है तो इतने छोटे समय में इन्होंने ये पूरा ऑर्गेनाइज किया उसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ इनका चिची माता ट्रस्ट का। उसके साथ ही मेरे डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर अजय शर्मा जी उन्होंने भी बहुत कम समय में ये पूरा कोऑर्डिनेशन किया उनकी पूरी टीम इन्फॉर्मेशन विभाग से जो लोग यहाँ आए जिन्होंने यहाँ ये लॉजिस्टिक्स दिए उनका भी बहुत आभार हमारे जजेस जिन्होंने पूरा गाइड किया और स्कूल एजुकेशन विभाग और डिग्री कॉलेज सांबा से मैं प्रोफेसर गीता को देख सकती हूँ अपनी रेखा जी में मैं सबका नाम शायद ना ले पाऊँ लेकिन हर वो व्यक्ति जिसने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी भूमिका दी है और खासतौर पर जो बच्चे जिनमें इतना ढेर सारा हुनर है कला है तो सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। अब यहाँ पे एक बात मैं और कहना चाहूंगी आखिरी बात कि जब योगेश ने आखिर में आप सबको कहा नाचने के लिए तो नाचना तो हर बच्चा चाहता था वो मुझे मालूम है लेकिन सब बच्चे उठे नहीं कुछ बच्चे उठे और कुछ बच्चे नहीं उठे तो उससे मेरे मन में एक ख्याल आया कि त्योहारों का मौसम चल रहा है आगे दिवाली आने वाली है तो मैं यहाँ ये अनाउंसमेंट करना चाहूंगी कि एक मेगा इवेंट एक बड़ा त्योहार कला और
संगीत का एक हम त्योहार जो है वो मनाएंगे। उसमें अभी मुझे प्रोफेसर गीता वहां से वो पहले ही मुझे कह रही थी कि मुझे कोई जिम्मेवारी दो, मैं अपने कॉलेज में करवाऊंगी। तो बट मैं ये कहना चाहूंगी कि ये एक बड़ा इवेंट है जो हम सबको साथ लेके करेंगे। बहुत सारे इवेंट होंगे, डिस्प्ले योर टैलेंट हंट टाइप का एक प्रोग्राम होगा। तो जो बच्चे आज नाचे नहीं वो सब नाचेंगे। तो सब बच्चे तैयारी कर लो कि आप जो भी आपके अंदर हुनर है, जो कला है, हम अलग अलग कैटेगरीज का एक फेस्टिवल कर लेंगे। अजय जी को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको प्लान कर लेंगे, बाकी सब लोग भी साथ देंगे। तो जिला प्रशासन सांबा की ओर से एक ये भव्य जो है त्योहार चिची माता को डेडिकेट करते हुए उनकी कृपा से ये हम करेंगे। और सब क्वालिफिकेशन एक ही है कि आपके अंदर कला और संगीत के लिए प्रेम होना चाहिए। तो अगर वो है तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। हम कोई आपको बांधेंगे नहीं डिजीज में। सांबा के हर निवासी के लिए ये ओपन होगा। हम अलग अलग कैटेगरीज बनाएंगे, बड़ों के लिए भी होगा, छोटों के लिए भी होगा, बच्चों के लिए भी होगा, सबके लिए होगा। तो आने वाले समय में मैं फिर से वापस बात पे आते हुए कि मैं ये उम्मीद करती हूँ कि चिची माता ट्रस्ट इस ट्रेडिशन को आगे बनाए रखेगी और हर नवरात्रे पे या एटलीस्ट ये जो शारदीय नवरात्रे होते हैं इस पे आप एनुअल फीचर इसको रखें। एक समय ऐसा आए कि लोग अपना हुनर दिखाने के लिए दूर दूर से यहाँ पे आए और हमारे बच्चे भी बहुत सीखें। और जजेस से मेरी खास तौर पर जो कॉलेज में है या स्कूल में लोग हैं, बच्चों को थोड़ा क्लासिकल की ट्रेनिंग दीजिए, थोड़ा उनका बेस बनाइए, फाउंडेशन बनाइए कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म उनको मिले कि यहाँ से निखर के जब वो निकले तो हर जगह सांबा के बच्चों की धूम मचनी चाहिए।